ट्रेल ग्रांट हुआ, जिसमें कि वो उनका हाफ सेंटेंस हो गया था और सभी दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है माननीय उच्च न्यायालय ने आज उनको बेल ग्रांट किया है। क्या ग्राउंड बनाया गया? हम लोग का ग्राउंड था कि इस केस में 3.5 साल की सजा हुई है, उसमें हम हाफ सेंटेंस से ज़्यादा हो गया है और अदर जो भी एक्यूज को सजा हुई थी हाफ सेंटेंस में आपने बेल ग्रांट किया था, तो हमने भी उसी को प्ली लेते हुए फाइल किया और उस प्ली को कोर्ट ने मानते हुए हमको बेल ग्रांट किया। मुचल के कितने? 50,000 टू सिक्योरिटी के साथ जो है दो मुचल का देना है, उसके बाद होगा। पासपोर्ट भी जमा करने के लिए कहा? हाँ, तो इनके हमने पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया था, पर हमने कहा कि इनके पास पासपोर्ट नहीं है, ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है और उसके बाद रिन्यूअल ड्यू टू द कस्टडी उसका रिन्यूअल नहीं हो पाया, तो आज के डेट में हमारे पास कोई पासपोर्ट नहीं है। लालू जी बाहर निकल नहीं, अभी और दो केसेस में जो है वो अभी का बेल नहीं हुआ है, अब उस दोनों के केस में जब बेल होगा तभी वो बाहर निकल पाएंगे। कौन से केस हैं? वो एक RC 68A 96 है और एक RC 38A 96 है। कहाँ कहाँ का ये दोनों मामला? एक दुमका एक चाईबासा का है। दुमका में और चाईबासा में अलग अलग कितने की सजा हुई? एक केस में 5 साल की है, एक केस में 7 साल की है। आगे आप लोग फाइल करेंगे दोनों केस में? अब अभी हाफ सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, एक केस में 2-3 महीना के अंदर हो जाएगा तो फिर हम फाइल करेंगे। क्या हुआ आज लालू जी को जो है एक केस में जमानत हुई है? छोड़ो, हम कर लेंगे। एक केस में जमानत हो गई है, बताइएगा क्या कुछ हुआ? आज हम लोग ने एक RC 64A 96 में बेल के लिए अर्जी फाइल की थी, जिसमें दोनों पक्षों को सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने उनको जमानत दे दी है। कुछ फाइन भी? हाँ, वो 50,000 टू सिक्योरिटी के साथ जो है उनको भरने की। सर कुछ कंडीशन है क्या? कंडीशन था उस पासपोर्ट को जमा करने का, तो हमने बताया कि इनके पास आज के दिन में कोई भी वैलिड पासपोर्ट नहीं है, तो इसलिए उसको जमा कर बोले कि एफिडेविट उसका। नहीं, अभी दो केसेस में अभी बेल नहीं भी है, तो इसलिए इस केस में बेल हो जाने के बावजूद भी उसको जेल में ही रहना पड़ेगा। दो मामला बचे हुए हैं, एक RC 68A 96 और एक RC 38A 96 का। अब उसमें हाफ सेंटेंस होगा तो उसके बाद हम लोग उसमें फाइल करेंगे, अभी कुछ महीना बाकी है। बस एक मिनट।